You are the first contestant in the history of reality shows, I think, who's doing this. Yeah! Good luck, Mahdi. 3, 2, 1. Stop. Okay. 1, 2, 3, 4. जहाज में जब चला मेरे यारों सुनो सुनो, ढूंढ रहा था एक नई दुनिया का पता मेरे यारों सुनो सुनो। खाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं मेरे यार सुनो सुनो। मुश्किल से ठहरे मेरे यारों सुनो सुनो। दोस्तों सर मैम सर, तो अभी एक पैटर्न मैं बजाऊंगा तो साथ में क्लैप करना है सभी। हाँ जी हाँ जी। ओके 1, 2, 1, 2, 3, 4। क्लैप क्लैप क्लैप। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ। तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। सपनों के जैसा हसीन एक समा, जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई है खुशी, जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी। तुमको है मांगती कमान पवन ये जिंदगी।
कर रहा है यार. आई डोंट थिंक कि हमने हो जाए हो जाए हो जाए. एवरीबॉडी सिंग विद पवन. तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ. तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो कौन यहाँ. के जैसा हसी एक समा. जो तुम हो तो ये लगता है कि हर खुशी मिल गई. जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी. तुमको है मांगती ये जिंदगी. जी 9 जनवरी 2021 में इंडिया का पहला रॉक स्टार पैदा हुआ है. पवनदीप है हमारे वन बैंड आर्मी. यू नो इनके सारे जितने भी वो है ना गांव वाले बोलते हैं पवनदीप वापस मत आना क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको सब जगह परफॉर्म करते देखना चाहते हैं. मैं मुझे ये लगता है आज ये देखने के बाद यूएस वाले कहेंगे पवनदीप यहाँ कॉन्सर्ट करने आना, ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे पवनदीप यहाँ कॉन्सर्ट करने आना, पूरा वर्ल्ड बुलाएगा पवनदीप को. पवनदीप इंडियन आर्मी के 12 सीजन में आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कि एक सिंगर ड्रम्स बजाते बजाते गाना गा रहा है. सॉरी पहली बात तो ये इंडियन आइडल के सीजन में ही नहीं जी. इंडिया में ही मुझे लगता है किसी भी शो में जी. पहली बार ये हिस्ट्री क्रिएट करी है पवनदीप आपने. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एचआर प्लीज. पवनदीप मुझे लगता है कि तुम्हें इंडियन आइडल छोड़ देना चाहिए. बच्चा जन्म ले चुका है, कब तक पेट में रहेगा. तुम्हें खुद इस्तीफा देते ना. नो आई रिजाइन. पवनदीप क्या कर रहे हो यार. तुम्हें पता है ना कि क्या हो चुका है इस वक्त. जो भी तुम्हारा ये परफॉर्मेंस देख रहा है, क्योंकि सब लोग ही देख रहे हैं बिकॉज ये नंबर वन शो है, तो वो परफॉर्मेंस देखते देखते एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये बच्चे ने कैसे कर दिया है. ड्रम्स बजाना, साथ में गाना, फर्स्ट टाइम इस तरह का परफॉर्मेंस देना बहुत 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 डिफिकल्ट है. जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट है यार, ये बहुत डिफिकल्ट है. ऑल्सो ड्रम में इतनी मेहनत लगती है, इतना तामझाम है, सबको हैंडल करना है इतने सारे इक्विपमेंट्स को. उसमें सांस बहुत मुझे लगता है हाफ जाए बंदा. उसके साथ आपने कंप्लीट गाना गाया. ओ माय गॉड. और इतना अच्छा गाया, इतना कमाल गाया. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. दिल से जो लोग ये शो देख रहे हैं इस वक्त, वो प्लीज दिल से
पवनदीप को के लिए दुआ कीजिए कि इसको नजर ना लगे बस। और मैं अपनी तरफ से एक काला टीका लगा देता हूं तुम्हें, काला 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 तुम्हारी काजल। ओ माइंड ब्लोइंग, ले लू। ओ हो मैं आशीर्वाद के तौर पे जब काला टीका लगाता हूँ तो गले पे लगाता हूँ, बिकॉज गले पे हमारे सरस्वती है। जी सर। तो मैं गले पे लगाना चाहता हूँ। ये लग गया काला टीका मेरे भाई। आउटस्टैंडिंग ब्रदर, आई लव यू। पवनदीप, अगर आपको कभी ये ख्याल आए कि मैं इंडियन आइडल छोड़ के चला जाऊं क्योंकि मेरा हो गया, प्लीज डोंट, बिकॉज वी नीड यू। यू अंडरस्टैंड, इंडियन आइडल मंच को आपकी जरूरत है। थैंक यू सर। अरे अरे विशु। हाँ अब ठीक, अब ठीक है, अब बोल। पवनदीप आपने मंच।